आपके शहर में किसी चौक में इशारे लगे हों तो वहां गिनती उल्टी चलती होती है, 60 से 50 से 20 से 30 से गिनती उल्टी आ रही होती है, और जब गिनती उल्टा चलना शुरू हो जाए तो बहुत जल्द काम जीरो पे पहुंचता है। हमारी सांसों की गिनती उल्टी चल रही है और हम ये समझ रहे हैं कि बड़े हो रहे हैं, साहेब हम छोटे हो रहे हैं। एक बुजुर्ग फरमाते थे, मुझे इन्नल इंसान लफी खुसर का तर्जुमा समझ में नहीं आता था। एक दिन मैं समरकंद के बाजार से गुजर रहा था, वहां एक बंदा फट्टे पे बर्फ रख के बेच रहा था और साथ आवाज दे रहा था, इरहमू इरहमू अला मन यजूबु रासो माले, ओ गुजरने वालों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघलता जा रहा है। क्योंकि बर्फ एक ऐसा सौदा है जो ग्राहक का इंतजार नहीं करता। आप कपड़ा बेचते हैं, आज ग्राहक नहीं आया, कल हो सकता है दो आने महंगा बेच लें। आज पेट्रोल बेचते हैं आप, हो सकता है कल पड़ा पड़ा 6 रुपए ऊपर चला जाए और आपको करोड़ों में फायदा हो जाए। लेकिन आप अगर बर्फ बेचते हैं, कल महंगी भी हो गई तो बर्फ ही नहीं होगी, बेचेंगे क्या। तो वो कहता, लोगों मेरे पे तरस खाओ, मुझसे बर्फ लेते जाओ, मैं ऐसा ताजर हूं जिसका रासुल माल पिघल रहा है। कहते जब उसने ये आवाज लगाई ना तो मेरे कदम रुक गए और मैंने कहा, साहेब मुझे इन्नल इंसान लफी खुसर का तर्जुमा समझ में आ गया। जिस तरह तेरी बर्फ पिघलती जा रही है, मेरी जिंदगी पिघलती जा रही है। तेरी बर्फ कतरा कतरा पिघल रही है और मेरी जिंदगी सांस सांस पिघल रही है। और अगर तू अब बर वक्त बर्फ बेच ले, इसके बदले दिरहम ले ले, दीनार ले ले, पारचा जात ले ले, कोई जिन्स ले ले, तो तुझे फायदा है। और मैं भी इन सांसों के बदले दरूद पढ़ लूं, इन सांसों के बदले कयाम कर लूं, रकू कर लूं, सुजूद कर लूं, किसी दुखी के सर पे हाथ रख दूं, किसी मुश्किल में फंसे हुए शख्स को छुड़ा दूं, तो ये मेरी सांसें काम आ जाएंगी। वरना ये सोए हुए भी मेरी जिंदगी टूट रही है और मेरी सांसें टूट टूट के मुझको काट रही हैं। ये एक आरी है जो चीर रही है। हजरत सैयद अली मुर्तजा फरमाते हैं, शेखजादा ने बेजाबी के हाशिए में लिखा आपका कौल, कि ये सांसें मौत की तरफ उठने वाले तेरे कदम हैं, तो कबल इसके कि वो वक्त आए कोई हुज्जत न रहे, मुझे आपको आज मौका है, आज सावी ने खुले रावी ने, इंज टोक नोखड़े टुकड़े नहीं, टुर पवे ते पेंडे मुक जांदे, कार बैठे फासले मुकने, आज मौका है। वो एक फकीर था, बाजार में खड़ा रो रहा था, तो किसी ने गुजरते हुए उसे रुक के कहा, बाबा किसी ने मारा है? कहा, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन क्यों रो रहे हो? कहा कि बस गुजरते गुजरते लोगों को दुनिया में खोए हुए देखा तो दिल में रहम जागा, तो मैंने सोचा इन बंदों की रब की सुलह ही ना करवा दो, तो मैंने उससे बात की, आवाज आई, ले आ मेरी चौखट पे, एक आंसू पे सारे गुनाह माफ कर दूंगा। मैं बड़ा खुश हुआ और मैंने इनसे बात की तो ये उल्टा मेरा मजाक उड़ाने लगे, जा बाबा काम कर, तुझे क्या पता। तो मुझे इनके रवैये पे अफसोस है और रोना इस बात पे आ रहा है कि वो तो मान रहा है, ये मानते ही नहीं, मैं इस वजह से रो रहा हूं। चलो ठीक है, अगले दिन वही शख्स कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहा था तो देखा वही बाबा कब्रिस्तान में खड़ा रो रहा है, तो फिर उसने गाड़ी रोकी और कब्रिस्तान में चला गया। अजीब शख्स है, बाजारों में भी रोता है, कब्रिस्तानों में भी रोता है, आज क्या मसला हुआ? कहा आज मसला बिकल वाला ही है। क्या मतलब? कहा कल गुजरते गुजरते उनको देखा और दुनिया में ऐसे खोए हुए देखा कि रब को भूले हुए थे, दिल में तरस जागा, ख्याल आया इन बंदों और रब की सुलह करवा दूं, वो तो मान गया लेकिन वो ही नहीं माने, मायूस हो गया उनसे, तो आज इधर निकल आया और आज ख्याल हुआ इन कब्रिस्तान वालों की और रब की सुलह करवा दूं। तो दिलचस्पी से पूछा आज क्या बना? कहा आज ये मान गए हैं, वो नहीं मानता, आज वो मान रहा है, हम भी मान जाएं और अपने आप को मालिक की दहलीज पे ले आए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल कयामत को ना मानेंगे अगर मान गया। आइए मैं और आप अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की राहों पे डाल दें और एक एक सांस उनके नाम वक्फ कर दें। अजम करके उठे आज के बाद नमाज तरक नहीं होगी, जिक्र का चराग रोशन रखेंगे, कुरान मजीद से वाबस्तगी हमारा मिजाज हयात रहेगा, जियेंगे तो हुजूर के लिए, मरेंगे तो हुजूर के लिए, फिर ये दुनिया भी हमारी है, आखिरत भी हमारी है। अल्लाह मुझे आपको अपनी पनाहों का नूर दे।